वेलकम बैक टू यूनिवर्सल के केवट क्लासेस। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखाएं और कोण। इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हमारी सीरीज चल रही है, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है, इन फिगर साइड्स क्यू पी एंड पी आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ इसका? ये कहता है कि जो हमारी लाइन पी क्यू है या जो क्यू पी है, इसको एस तक बढ़ा दिया गया, और जो दूसरा जो हमारी क्यू आर लाइन है, इसको हमने टी तक बढ़ा दिया गया। ये मतलब है, तो दोनों की एंगलों की वैल्यू हमें दे रखी है। दिस एंगल इज गिवन 135 डिग्री एंड दिस वन इज 110 डिग्री। सो हियर वी हैव टू फाइंड द एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू का मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखिए इसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए चलिए, हमने जो है पहले की वीडियो में आपको बता रखा है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। तो उन्हीं एंगलों के बेस से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें ये निकालना है, ये कब निकल सकता है, कब निकलेगा ये? जब हमें ये एंगल और ये एंगल दोनों पता हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उससे हम निकाल लेंगे। तो इसको और इसको निकालने के लिए देखिए ये किस टाइप के एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो दोनों क्या है, एक लाइन पर बनने वाले एंगल है। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एंगल पी क्यू आर। So angle PQR will be equal to, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, ये टोटल लाइन 180 की भी, 180 में से बाहर वाले को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 180 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, 70 डिग्री। ये हमारा निकल गया 70 डिग्री। अब ये किस रूल से हमने निकाला, ये निकाला बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल के रूल। नेक्स्ट देखिए, अब जैसा ये था वैसी ये भी है, ये एक सीधी लाइन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में यहां पर भी हमारे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो दोनों का सम कितना होगा गाइस, 180 डिग्री होगा। तो इसको भी सेम ऐसे निकालिए, क्या नाम है इस एंगल का, क्यू पी आर। सो एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल टू पूरी लाइन 180 की भी, 180 में से गिवन एंगल को माइनस कर दीजिए, सो 5 एंड 7 3 4, सो हाउ मेनी डिग्री, 45 डिग्री। किस रूल से आया, लीनियर पेयर। समझ में आ गया। अब हमारे पास जो है ये एंगल आ गया 45 डिग्री। अब ये पी क्यू आर क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो इनको हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देन आप पुट द वैल्यू, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, व्हिच वैल्यू, पी आर क्यू वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, पी आर क्यू सो वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। सो दिस वन ऑलरेडी वी हैव गिवन 70 डिग्री प्लस क्यू पी आर, जस्ट नाउ वी फाउंड 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू और क्यू आर पी से, पी आर क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, इज इट क्लियर? देन नाउ टू माइनस पी आर क्यू विल बी इक्वल टू 65 डिग्री, व्हाट इज आवर आंसर, 65 डिग्री। यदि इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए ये हमारा 65 डिग्री आ गया, तीनों का सम कर दीजिए, 180 हमारा सम आ रहा है,
तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। सो थैंक यू।